गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई है जड़ी मेरे को एक कंप्लेंट लेके आई जो कि इस तरह दिया बहुत सारिया कंप्लेंट्स ने ते मैनू ए लगा कि ए मैनू तुहाडे भी इंदे ते सजेशन सुझाव तुसी हमेशा दी तरह जिस तरह मैनू सपोर्ट करते रहते हो कमेंट बॉक्स शेयर भी करते हो कमेंट बॉक्स अपने विचार भी रखते हो और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहिंदे ने क्योंकि वह मैनू मोटीवेट करते ने हौसला अफजाई लोगों की भी करते ने। लड़की का कहना है कि मेरे अपने हसबेंड दे नाल अनबन होने तो बाद मेरी अनबन हुई तो मैं अपने एक फ्रेंड नाल रहन लग गई अपने फ्रेंड दे क्या ही मैं अपने हसबेंड नू हसबेंड तो अलग लैन लग गई। मैं इनू पूछया कि वह सिर्फ इनका फ्रेंड ही सी ये हले तक चुप पे हूँ मैं फिर दोबारा तो पूछनी हाँ कि अपने हसबेंड दे नाल दो बच्चे ने क्या वो इन्हें मैंने क्या ही इज माई जस्ट ए फ्रेंड क्या वो थोड़ा सिर्फ फ्रेंड ही सी या थोड़ा उनके नाल अफेयर सी मैं इनका जवाब चाहिए क्या वो थोड़ा फ्रेंड सी या थोड़ा अफेयर सी हाँ या ना हाँ या ना इस मैनू तुसी जवाब दो कि तुहाडा अफेयर सी तुसी मैनू सिर हिला के जवाब दे सकते हो मैं पूछ रही हाँ क्या तुहाडा उनदे नाल अफेयर सी क्या तुहाडा उनदे नाल अफेयर सी हाँ या ना अफेयर सी इनका अफेयर सी इन्हें एग्री किया है और अज जिंदे खिलाफ शिकायत देन आई है उस मुंडे के खिलाफ जिंदे नाल अफेयर सी कानून तो अपना काम करेगा ही क्योंकि जिस मुंडे नाल इनका अफेयर सी उस मुंडे तो भी इन्हें एक बेबी हो चुका है इनका और मुंडा भी इन्हों छोड़ के जा चुका है इन्हें हुन अपने हसबेंड को जा सकती है और वह मुंडे के खिलाफ ही मैनू कंप्लेन देन आई है और यह कहती हो कि सिर्फ उनका जस्ट ए फ्रेंड सी उस मुंडे के खिलाफ ही तुसी कंप्लेंट देन आए हो असी अपनी कानून के मुताबिक कार्रवाई तो करांगे पर उन गल ते कौन कार्रवाई करेगा जिंदे च तुसी खुद दोषी हो उत्ते ते की कानूनी असी कार्रवाई करिए एक तुसी अपने एक औरत होनते लड़की होनते तुसी अपनी डिग्निटी ते वार किता अपनी खुशनुमा जिंदगी नू मैं इनू पुछया कि के कारण सन कि तुसी अपने हसबेंड नू छड़िया और दूसरे मुंडे नाल जाके रहन लग गई जिंदा इंदे कोल कोई जवाब ही नहीं हैगा फेसबुक ते दोस्ती हुई दो बच्चे ने इस लड़की दे तुहाडे कोल इंदा कोई जवाब नहीं हैगा कि तुसी उंदे नाल क्यों एक तो तुसी अपने अपनी औरत हुंदी डिग्निटी ते क्योंकि मेरा मानना है कि एक लड़की तुहाडी भी अगो बेटी है एक लड़की माँ तो बिना भी अधूरी है और माँ बन के भी माँ तो बिना भी अधूरी और माँ बने बिना भी अधूरी है तुसी एक ते अपने बच्चियां नू धोखा दिता नंबर वन नंबर दो माँ दी ममता नू धोखा दिता नंबर टू तुसी अपने हसबेंड नू धोखा दिता तीसरा इंसानियत ते तुसी वार किता हुण तुसी ना तो अपने हसबेंड को वापस जा सकते हो इस लड़के दे खिलाफ तुसी मैनू कंप्लेंट देन आए हो इस तरह दे साडे कोल बहुत सारे केस ने चलो तुसी बैठो असी गल करते हैं इस तरह के बहुत सारे केस ने और इन्दे विच इस तरह के ही होर कंप्लेंट्स नू देखदे हो इस केस विच अगर कोई पिस रहा है अगर कोई सच्चा हमदर्दी का पात्र है जिंदे नाल माड़ा होया वो तुहाडा हसबेंड है जिन्हों तुसी धोखा दिता जिंदा तुसी विश्वास तोड़िया और तुहाडे कोल सॉलिड रीजन भी नहीं हैगा कि तुसी अपने हसबेंड नू छड़ के तुसी उस लड़के दे नाल क्यों रहन लग गए और उस लड़के दी भी ब्लंडर मिस्टेक है कि उन्हें यह नहीं सोचा कि जड़ी औरत अपने बच्चे छड़ के अपने हसबेंड नू छड़ के मेरे नाल आके रह सकती है उन्हें धोखा ही तुहानू दिता मेरी भी किवें बन जाएगी ते एनीवे असी कानून दे मुताबिक यह ते कार्रवाई होएगी क्योंकि तुसी उन्दे तो भी एक बच्चे की माँ बन चुके हो पर जड़े तुसी कसूर किते ने कि एक अपने ममता नू धोखा दिता अपने हसबेंड नू धोखा दिता औरत होने की डिग्निटी ते जड़ा तुसी अपने अपनी आप नाल तुसी अपने आप नू धोखा दिता फेसबुक ते हुई दोस्ती नू तुसी अपना वैवाहिक जीवन खराब करके रह गया इस तरह दिया बहुत सारिया कंप्लेंट्स ने साडे कोल कि लड़कियां सोशल मीडिया ते दोस्ती कर दिया ने और इन्दे विच्चे अगर अपनी शादीशुदा खुशनुमा जिंदगी होंदे हुए
दूसरे लड़कियां दे नाल रहन लग जांदियां ने या दूसरे लड़कियां तो भी सच छुपांदियां ने और इन दे विच जे कोई पिसदा है ते ओ मर्द ओ पिता ओ हस्बैंड हुण तुसी ओ बच्चे अपने हस्बैंड दे कोल ही ने। मेरे कोल बहुत सारियां इस तरह दियां कंप्लेंट्स ने विजे तुसी इस लड़की दे हैस असी इस केस दी हेयरिंग करांगे बड़ी रिस्पेक्टफुली उस लड़की दे हस्बैंड नूं भी इहनूं बुलाओ असी उहनूं पुछांगे कि की रीजन रिहा असी उहदे नाल जरूर गलबात करना चाहवांगे उहदे भी आप बीती जरूर सुनना चाहवांगे क्योंकि साडे कोल इस तरह दियां बहुत कंप्लेंट्स ने। पर मैं एक मैसेज देना चाहनी हाँ कि सोशल मीडिया ते जिहड़े साडे रिश्तियां दी जिहड़ी उधेड़ बुन चल रही है जीवन किस ओर साडे अज बच्चे लैके जा रहे ने और इहदा अंजाम की है कि इस तरह दे रिश्तियां नूं उह लड़का भी अज इहनूं छड़ के जा चुका है ते इह एक बड़ा संजीदा मुद्दा है। दूसरी मेरे को एक कंप्लेंट है अज एक माँ आई कि तुसी मेरे बेटे नूं घरों कढ़ा दियो। मैं माता जी नूं बड़े प्यार नाल पुछया कि बेटे नूं घरों क्यों कढ़ा दिए की प्रॉब्लम है। माता जी दी दो बेटियां ने एक बेटा है। माता जी पहले ते घुमा फिरा के गल्ला करदे रहे कि कुछ नहीं टोका टाकी है ए वे ओ वे। फिर मैं माता जी नूं कहा माता जी ये बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने पानी च मधानी मारन वाली गल्लां ने जिथे चार भांडे हुंदे ने खड़कदे ने असली रीजन दसो। माता जी नाल जिहड़ा थोड़ी जी प्यार नाल मैं गल करके पुछया ते असली रीजन आया कि जवाई दी दखल अंदाजी जवाई चाहुंदा है कि पुत्तर नूं घरों कढ के प्रॉपर्टी कुड़ियां दे नाम लवा दित्ती जाए जिंदे नाल मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हाँ। मैं माता जी नूं समझाया कि तुसी अपने पुत्तर दी खुशी मंगण लई उहदा विआह कीता उहदे भी बच्चे ने उहदा भी घर बार है ते तुसी हुण उस पुत्तर नूं अपने घरों कढना चाहुंदे हो ते इमोशनल होके ओह रो पए। इस तरह की दखल अंदाजी जवाइया दी या लड़कियां दी कि अपने भरावां नाल थोड़ी जी अनबन हुई और तुसी घर च पार्शालिटी करनी शुरू कर दो मां नूं भरा दे खिलाफ भड़काना शुरू कर दो नहीं मैं इस चीज नूं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। असी माता जी दी काउंसलिंग कीती उन्हां नूं सही राह दिखाई ओह एग्री करके गए कि हाँ मैं अगर तुहाडे कोल ना आंदी कोर्ट या किते भी कचहरी च या किते होर पासे जांदी शायद मैनूं है असली तस्वीर तुसी ना दिखांदे इमोशनल हो गए। पर मैं उन्होंने बेटे नूं भी बुलाया है कि जिहड़ा माँ प्यो का सम्मान है या जरा जरा माँ बहुत जड़ी तलखी है असी उन्हें प्यार नाल दूर कर सकीए। तो इस तरह दियां कंप्लेंट्स भी बहुत सारिया ने कि जिहड़ा घरां च बच्चे पार्शल हो रहे ने मुंडिया के खिलाफ जवाई या रिश्तेदारा की दखल अंदाजी कि मुंडिया नूं घरों कढ दिता जाए उन्होंने भी अपनी दुनिया है अपने बच्चे ने उन्होंने भी पूरा अधिकार है। जे जरा बहुत मतभेद दे नाल असी मावां नूं भड़काईए कि पुत्रां नूं घरों बाहर कढ दिता जावे पुत्रां दा फर्ज है मापिओ दी सेवा करना पर घरों बाहर कढना और जिहड़ी पराई धी घर आके बैठी हुई है घर चला रही है बच्चे ने ए सरासर अन्याय है। ते असी साडी वी इहो कोशिश है कि असी जे औरतां दे इंसाफ लई जस्टिस करन लई बैठे हाँ पर साडा मेरा मेन पॉइंट इहो ही रहिंदा कि चाहे मर्द होए चाहे औरत होए किसी दे नाल भी धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। थैंक यू जय हिंद।